हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज प्रदीप शर्मा और आप देख रहे हैं अपना प्यारा सा चैनल चंद्रशेखर केमिस्ट्री। बच्चों, चंद्रशेखर केमिस्ट्री में आपका स्वागत है। क्लास ट्वेल्थ और इलेवेंथ के दोनों स्टूडेंट इस वीडियो को देखें। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में लेकर के आपके सामने आया हूँ। ये भी आईपीएससी के अंतर्गत ही आता है। अब मैं आपको बताता हूं, आज मैं जो आपको पढ़ाने वाला हूं वो है एरोमेटिक कोमा एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। इसके विषय में बच्चों आज हम बात करते हैं। सबसे पहले बच्चों हम बात करते हैं एरोमेटिक। तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, कोई कंपाउंड एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटा एरोमेटिक है, हमें कैसे पता लगेगा कि वो एरोमेटिक? सबसे पहले उसके लिए मैं आपको बता दूं, चार कंडीशन है। चार कंडीशन यदि वो फॉलो कर रहा है तो वो एरोमेटिक होगा। चार कंडीशन कौन कौन सी है वो भी मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले तो पहली कंडीशन है कि आपका कंपाउंड साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक का मतलब चक्रीय होना चाहिए, यानी कि बंध श्रृंखला वाला होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? बंध श्रृंखला वाला। दूसरी कंडीशन क्या है? आपका जो कंपाउंड है वो कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड मतलब आप समझते ही होंगे, कॉन्जुगेटेड से मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होता है। इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज भी हम लोग इसे बोल सकते हैं, उसके पास इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज होना चाहिए। नंबर तीन कंडीशन है, वो कंपाउंड आपका प्लेन स्ट्रक्चर का होना चाहिए। और नंबर चार कंडीशन है, वो कंपाउंड आपका हक्कल रूल को फॉलो करना चाहिए, यानी कि उसमें जो पाई इलेक्ट्रॉन है 4n+2 ये पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। प्लेन के लिए कोई भी, आपको देखो ऐसे तो आप देख करके किसी को बता नहीं सकते कि कोई कंपाउंड प्लेन है या नहीं है। ये चीज आपको बताएगी बुक है या फिर आपका जो टीचर साहब को पढ़ाता है वो बताएगा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि प्लेन के लिए ज्यादातर आपको एक चीज देख लेनी है कि उसमें जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 हाइब्रिडाइज है। जर्नली जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है वे कंपाउंड प्लेन में होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि साइक्लिक होना चाहिए, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए, आपका क्या होना चाहिए, कंपाउंड आपका प्लेन होना चाहिए और हक्कल रूल के अकॉर्डिंग 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो ये कहलाते हैं आप लोगों के चार कंडीशन। यदि कोई कंपाउंड फ्लो कर रहा है तो एरोमेटिक होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों को, जैसे मैंने एक कंपाउंड दिया सिंगल बॉन्ड सी, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। बच्चों हमें कॉन्जुगेटेड पता चला कि कॉन्जुगेटेड है, तो कॉन्जुगेटेड के लिए मैं बता दूं पाई सिग्मा लोन पेयर हो कोमा पाई सिग्मा पॉजिटिव। तो ये तीन केस यदि आ रहे हैं आपके कहीं पर तो वो कॉन्जुगेटेड होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज। डिलोकलाइज क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह नहीं रुकना है। इसमें इलेक्ट्रॉन ऑर्गेनिक जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन एक जगह नहीं रह सकते। जो मेरे पास पाई इलेक्ट्रॉन है वे मूवमेंट करते रहते हैं, मतलब वे चलते रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आप क्या करते हो, जैसे कि आप मैच खेलने के लिए जाते हो, तो मान लीजिएगा आपके पास 15 आप लोग जब मैच खेलने के लिए क्रिकेट का मैच, आप 15 व्यक्ति हो और दो टीमें आप लोगों ने बना ली, तो बराबर बराबर टीमें कितने की बनेगी?
बराबर बराबर टीमें बनेगी आपकी, सात सात आदमियों की बनेगी। अब एक आदमी से बच गया, अब वो जो एक आदमी है उसे हम क्या करते हैं, अक्सर लोग बीच का बना लेते हैं। बीच के से मतलब भाई तू इधर भी पोत देना, मतलब इधर भी खेलना और इधर भी खेलना। तो ये जो व्यक्ति है ये व्यक्ति डीलोकलाइज है। क्या ये डीलोकलाइज? क्योंकि ये कहीं पर भी स्टेबल नहीं है। तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो स्टेबल ना हो, जो मूवमेंट करते रहते हो, उन इलेक्ट्रॉनों को आ जाता है डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कॉन्जुगेटेड क्या होता है, पाई सिग्मा पाई। यदि आपका है तो समझ लीजिए कि वो कॉन्जुगेटेड होगा, मतलब डीलोकलाइज होगा। पाई सिग्मा लोन पे आया तो भी डीलोकलाइज होगा, और पाई सिग्मा पॉजिटिव है तो भी आपका क्या होगा, डीलोकलाइज होगा। तो मेरे पास ये कंपाउंड है जिसको मैं लिख रहा था। अब प्लेनर के लिए तो मैंने तुम्हें बता दिया आपको चेक कर लेना है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, तो वो बात मैंने तुम्हें पहले बता दी। अब बच्चों ध्यान दें, अब यहाँ पर एक हाइड्रोजन है H, एक हाइड्रोजन ही होगी आपकी H। अब हमें चेक करना है कि ये कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, या फिर एंटायर एरोमेटिक है। बच्चों ध्यान देंगे, आप यहाँ पर क्या है आपका H है। अब आप एरोमेटिक के लिए देख रहे हैं, सबसे पहले तो आप चेक कर लें कि जो आपकी चेन है वो क्लोज चेन है, यानी कि वो साइक्लिक है कि नहीं। चेन कैसी होनी चाहिए, मतलब चेन होनी चाहिए आपकी क्लोज, बंद श्रृंखला होनी चाहिए, तो ही क्या होगा कंपाउंड आपका हो सकता है एरोमेटिक। तो सबसे पहले आप 1 2 3 4 5 6 आप चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट कार्बन एटम जो है वो लास्ट कार्बन एटम से जुड़ा है, तो चेन आपकी क्लोज होगी। तो पहली कंडीशन से फ्लो कर रहा है। दूसरा कॉन्जुगेटेड है, कॉन्जुगेटेड के लिए मैंने बताया पाई सिग्मा पाई। अब जानते हैं आप लोग डबल बोले तो एक पाई एक सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, डबल बोले तो एक पाई एक सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा, एक पाई एक सिग्मा, सिंगल बोले तो सिग्मा। बच्चों सिग्मा पाई सिग्मा क्या है, मैंने बताया आप लोगों को पाई सिग्मा पाई, यानी कि सिग्मा पाई फिर सिग्मा फिर पाई, पाई सिग्मा पाई, पाई सिग्मा पाई, ठीक है जी, पाई सिग्मा पाई, पाई यहाँ से क्या होगा आपका, ये रहा पाई बॉन्ड आपका, पाई सिग्मा पाई। तो बच्चों ध्यान दें, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले दूसरी कंडीशन भी क्या कर रहा है, कॉन्जुगेटेड है, फ्लो कर रहा है। तीसरा ये प्लेनर, प्लेनर के लिए मैंने बताया तुम्हें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे चेक करते हो, इस कार्बन के अराउंड अस चेक कर लें आप। इस कार्बन के अराउंड अस जब आप चेक कर रहे हो तो कंडीशन क्या बैठ रही है, एक सिग्मा दो सिग्मा एक यो सिग्मा तीन सिग्मा एक पाई, और जब तीन सिग्मा एक पाई होता है हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2। तो तीसरी कंडीशन भी फ्लो हो गई, ये प्लेनर है। चौथी कंडीशन है आपका जो आपका हक्कल रूल है, हक्कल का नियम है, इसको कहते हैं हक्कल रूल। हक रूल, हक्कल रूल बोलते हैं जिसको। तो इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। एन बराबर क्या है, एन बराबर 0, 1, 2, 3, 4। क्या इसमें आप पाई इलेक्ट्रॉन चेक कर लीजिए, आप पाई इलेक्ट्रॉन एक पेयर तो ये रहा, एक पाई का इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, एक पाई इलेक्ट्रॉन पेयर ये रहा, कितने पाई बॉन्ड है, तीन पाई में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन है बच्चों इसके अंदर, 6 पाई। क्या ये कंडीशन, एन की कोई वैल्यू रखने पर, एन की यदि मैं कोई वैल्यू रखूँ क्या 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, हाँ बिल्कुल, वाई नॉट। यदि मैं n की वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करता हूँ तो 4 बन जा, 4+2 कितना हो गया 6, तो कितना बच जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यदि मैं 1 तो इसमें कितने आ रहे हैं 6, यदि मैं 1 वैल्यू पुट करता हूँ तो कितने इलेक्ट्रॉन आ गए बच्चों, 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। यदि मैं 2 वैल्यू पुट करता हूँ, 4 2 8 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अब मैं 4 3 3 12 14 पाई इलेक्ट्रॉन, और देख लो डिफरेंस 6 कितना हो गया 10, 4 का डिफरेंस फिर यहाँ 4 का डिफरेंस, तो फिर कितना आ जाएंगे 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स, फिर कितना आ जाएंगे आप 4 का डिफरेंस कर दो तो 6 10 14 18 और 18 22 पाई इलेक्ट्रॉन्स जिनमें आएंगे वे होंगे आपके एरोमेटिक। तो बच्चों एरोमेटिक के लिए मैंने आपको बता दिया है
एरोमेटिक कंपाउंड्स कौन से होते हैं, तो देखिए इसका नेम क्या है, कॉन्जुगेटेड आपके लिए मैंने बता दिया, कॉन्जुगेटेड क्या होता है, प्लेनर किस तरीके से चेक करेंगे। अब इसका नेम क्या है बच्चों, कितने कार्बन थे, वो सबसे पहले तो आप इसमें कोई चेक करो सब्स्टिट्यूएंट है नहीं है, श्रृंखला का है, क्लोज है, बिल्कुल है, तो आप लगाओगे साइक्लो। मैंने बताया था जो भी आप, जब भी आपकी जो चैन है वो क्लोज चैन होगी तो आप उसके लिए लगाओगे साइक्लो। क्या लगाओगे? साइक्लो। साइक्लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन, साइक्लो हेक्स, 6 का मॉडल रूट क्या होता है बच्चों, हेक्स। बच्चों एक बात ध्यान दीजिए, मैं आईपीएससी का एक रूल तुम्हें पढ़ा रहा हूं, जब डबल बॉन्ड वन मोर हो, जब डबल बॉन्ड वन मोर हो तो क्या होता है, जो मेरा वन रूट है उसमें आप ही साउंड के लिए ए जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है बच्चों हेक्सा, क्योंकि डबल बॉन्ड एक से ज्यादा है तो एक रूल होता है कि जो मेरा वन रूट है उसमें ए जोड़ देते हैं तो बन जाएगा हेक्सा। तो साइक्लो हेक्सा। अब पहले देखो मैंने वन कार्बन बना, 1 2 3 4 5, अब देखो सभी से लगा नंबर आ चुका है क्योंकि प्रीफिक्स हो गया, वर्ड रूट होगा, वर्ड रूट के बाद किसका आता है साइक्लो, सॉरी सभी से आता है, तो एक तो जस्ट पहले कार्बन के बाद डबल बॉन्ड है पहले के बाद, एक आपका तीसरे के बाद डबल बॉन्ड है तीसरे के बाद, एक आपका पांचवे के बाद डबल बॉन्ड है फाइव कार्बन के बाद, तो 1 2 3 3 के लिए आप कर रहे हो बच्चों ट्राई, और इन तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सा 1 3 ट्राइन, या फिर इसको आप लोग बोलोगे बेंजीन, क्या बोलोगे बेंजीन, क्या बोलेंगे बेंजीन। तो बेंजीन क्या होती है बच्चों, एरोमेटिक, क्या होती है बच्चों एरोमेटिक, एरोमेटिक होती है बेंजीन, तो बेंजीन एक एरोमेटिक है, बेंजीन क्या है एरोमेटिक। अभी मैं बहुत सारे एग्जांपल्स आपको बताने वाला हूं, पहले मैं पढ़ लेता हूं। देखो अब हमने एरोमेटिक के लिए पढ़ा क्या होना चाहिए, सबसे पहले एरोमेटिक आपका जो कंपाउंड है वो साइक्लिक होना चाहिए, साइक्लिक पहली कंडीशन है, साइक्लिक होना चाहिए। दूसरी कंडीशन मैंने बताया उसमें कॉन्जुगेटेड यानी कि डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तीसरी कंडीशन मैंने बताया आपको, तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन मैंने आपको बताया प्लेनर होना चाहिए। चौथी कंडीशन मैंने आपको क्या बताया, जो मेरा हक्कल रूल है उसको फॉलो करना चाहिए, यानी कि 4n+2π इलेक्ट्रॉन क्या होने चाहिए, फॉलो होना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ, देखो एक बात यदि बताऊँ कि मोर यदि स्टेबिलिटी की प्रायोरिटी देखी जाए कि कौन ज्यादा स्टेबल होता है, एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक एंड और सॉरी एंटी एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक कौन ज्यादा स्टेबल होता है, तो स्टेबिलिटी की यदि प्रायोरिटी ऑर्डर में स्टेबिलिटी मिले तो मोर स्टेबल होता है बच्चों एरोमेटिक कंपाउंड, इनसे ज्यादा स्टेबल कोई नहीं होता, ये मोर स्टेबल होते हैं बच्चों। मैं एंटी एरोमेटिक की बात करता हूं, एंटी एरोमेटिक क्या होता है देखो, सबसे पहले तो साइक्लिक क्या होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या है, कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। तीसरी कंडीशन प्लेनर स्ट्रक्चर प्लेन होना चाहिए। चौथी कंडीशन 4π इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए बच्चों, उसमें क्या रहा था 4π इलेक्ट्रॉन्स। देखो इसमें n बराबर 4n π इलेक्ट्रॉन्स, n बराबर 1 2 3 4 5 एंड सो, यहां पर आप n की वैल्यू 0 पुट नहीं कर सकते। तो ये चार कंडीशन मैंने आपको बताई एंटी एरोमेटिक के लिए, एंटी एरोमेटिक के लिए यदि ये है तो आप बना सकते हो। देखो फॉर एग्जांपल मैं बात करता हूं, आपको पता करना होगा। अब देखो सबसे पहले बात, डबल बोल दिया मैंने, डबल बोले तो ये देखो एक कार्बन तो यहां होगा, एक कार्बन यहां होगा, क्योंकि लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला कहता है कि जहां पर एक लाइन दूसरी लाइन से कनेक्टेड हो, जहां से किसी लाइन की स्टार्टिंग हुई हो, जहां पर किसी लाइन की एंडिंग हो, स्टार्टिंग एंडिंग यानी कि स्टार्ट कोई चीज स्टार्ट हुई फिर क्या होगी मीटिंग होगी फिर एंड होगा। तो सबसे पहले स्टार्टिंग मीटिंग और एंडिंग, स्टार्टिंग मीटिंग और एंडिंग यदि है तो वहीं पर आपका कार्बन है,
सबसे पहले यहाँ पर क्या हो रहा है, जैसे मैंने यहाँ से स्टार्ट किया तो यहाँ कार्बन, यहाँ से लाइन सेट है, यहाँ मीटिंग, यहाँ कार्बन, यहाँ मीटिंग, यहाँ कार्बन, यहाँ एंडिंग है तो यहाँ कार्बन, तो स्टार्टिंग मीटिंग एंड एंडिंग कहीं पर भी हो तो वही क्या हो गए, कार्बन होंगे। तो लाइन के अनुसार तो सबसे पहले जैसे मैं बताऊँ क्या ये साइक्लो है, अब देखते हैं ये है क्या, एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, एंटा एरोमेटिक। अब हमें चेक करना होता है तो सबसे पहले मैं आपको बताऊँ मुझे क्या चेक करना होता है कि साइक्लो है या नहीं। तो मेरा पहला नंबर कार्बन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो बच्चों ध्यान दो कि इसमें फर्स्ट कार्बन से लास्ट कार्बन अटैच हुआ है इस कोवेलेंट बॉन्ड के अकॉर्डिंग, तो आपकी चैन क्या होगी, क्लोज होगी, और जो क्लोज चैन वाले होते हैं उनका कहलाता है साइक्लिक कंपाउंड। अब मैं देखता हूं कि क्या कंजुगेटेड है, पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा सिग्मा पाई सिग्मा पाई पाई सिग्मा पाई, तो पाई सिग्मा पाई आ गया तो क्या कंजुगेटेड है, क्योंकि मैंने तुम्हें तीन कंडीशन बताई, पाई सिग्मा पाई पहली, दूसरा मैंने तुम्हें बताया पाई सिग्मा लोन पेयर, तीसरा मैंने तुम्हें बताया था पाई सिग्मा पॉजिटिव। यदि ये हैं तो कंजुगेटेड होगा, मतलब डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दिया है कि तीसरी कंडीशन भी फ्लो हो रही है। दूसरी अब मैं प्लेनर की बात करता हूँ, तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन आप चेक कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन के लिए एक सिग्मा दो सिग्मा, इस वाले कार्बन की बात करूँ तो एक हाइड्रोजन भी है भैया, क्योंकि अभी तीन बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, क्योंकि हम लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूले की यदि बात करूँ तो हाइड्रोजन शो नहीं करते ना कार्बन को। तो सबसे पहले सिग्मा 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 वो तो चेक करो इस कार्बन के अराउंड कितने कार्बन है, सॉरी कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा दो सिग्मा तीन सिग्मा और एक पाई भी है इसके अराउंड, तो तीन सिग्मा एक पाई हाइब्रिडाइजेशन sp2, तीन सिग्मा एक पाई sp2, तीन सिग्मा एक पाई sp2, तीन सिग्मा एक पाई sp2। और जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है तो स्ट्रक्चर कैसी होती है बच्चों, प्लेनर होती है। तो ये तीनों कंडीशन एरोमेटिक में भी फ्लो होती हैं और एंटी एरोमेटिक यानी कि एंटी एरोमेटिक में भी फ्लो होती हैं। बस डिफरेंट क्या चेक करना है, डिफरेंट चेक करना है एरोमेटिक में तो 4n पाई एरोमेटिक में तो 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, जबकि एंटी एरोमेटिक में 4n पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो चेक करते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं तो यहां से कहा n की, यदि n की वैल्यू में 1 पुट कर लेता हूं, मान लो मैंने 1 पुट करी तो 4 बन जा 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 वैल्यू पुट करूंगा तो कितने होंगे, 4 2 जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 टू जा 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब बात करता हूँ तीन वैल्यू पुट करूंगा तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, बचो डिफरेंस कितने का आ रहा, 4 का, 4 का डिफरेंस आया तो 4 ये कितना हो गया 8, ये कितना हो गया 12, 12 4 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 के बाद क्या 20 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं बात क्या कर रहा था, मैंने बताया 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, 9 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें चेक करते हैं कि इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो दो चार, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या ये 4n प्लस 2 के अकॉर्डिंग फ्लो होता है, क्या 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अकॉर्डिंग फ्लो होता है क्या, चेक करिए, यदि 4n प्लस 2 के अकॉर्डिंग फ्लो हो गया तो ये कंपाउंड बन जाएगा एरोमेटिक, यदि ये इसके अकॉर्डिंग फ्लो हो रहा है, देखो इसमें कितने दो तो ये रहे, दो ये रहे, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंतर्गत आते हैं बच्चों, बच्चों ये आते हैं एंटी एरोमेटिक के अंदर, किसके अंतर्गत आते हैं, एंटी एरोमेटिक के अंदर आते हैं, और आपके 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन किसके अंतर्गत आते हैं, ये आते हैं, क्योंकि यदि मैं इसकी बात भी करूं, मैंने बताया था n बराबर 0 1 2 3 चार, बट आपको यहाँ पर क्या पुट नहीं करना होता है, जीरो पुट नहीं करना होता है एंटायर एरोमेटिक में, एरोमेटिक में आप एन की वैल्यू जीरो पुट कर देख सकते हैं, तो जीरो पुट आप कर रहे हो तो जीरो पुट कर दो, चार जीरो टू पाई, यदि वन पुट करोगे तो वन के पुट करने के बाद ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन बैठ रहे हैं, बल्कि इसमें क्या है, इसमें बैठ रहे हैं, इस कंपाउंड में बैठ रहे हैं 4 पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन जा रहा है बच्चों एंटायर एरोमेटिक में, तो एंटायर एरोमेटिक ये कंपाउंड क्या है आपका, एंटायर एरोमेटिक है, नहीं कि क्या है एरोमेटिक है, तो एंटायर एरोमेटिक। अब मैं इसका नेम बताता हूं, आपको पहचान हुई है कि ये क्या है एंटायर एरोमेटिक है, अब मैं इसका नेम आपको बताता हूं कि ये नेम क्या है इसका, ये मैंने बताया था कंपाउंड, अभी मैंने तुम्हें बताया था जहां लाइन की स्टार्टिंग हो,
मैंने यहां से स्टार्ट किया, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, बट जो अब क्लोज चैन है तो साइक्लो तो लगेगा लगेगा, क्योंकि क्लोज चैन में एक वर्ड जरूर लग जाता है साइक्लो। अब बच्चों ध्यान दें, साइक्लो है एक दो तीन चार, चार कार्बन है तो क्या होगा ब्यूट, और डबल बॉन्ड वन मोर है, और मैंने अभी एक रूल आपको पढ़ाया कि जब डबल बॉन्ड वन मोर हो तो वर्ड रूट में साउंड जोड़ते हैं एक ही, तो बन जाएगा ब्यूटा, और फर्स्ट कार्बन के जस्ट बाद डबल बॉन्ड है तो लिख दो फर्स्ट कार्बन, फर्स्ट के बाद है, दूसरा थर्ड के बाद है, यानी कि तीसरे कार्बन के बाद है कोमा थ्री। अब बच्चों कितने डबल बॉन्ड है, दो, दो के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों डाई, और डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करते हैं बच्चों ई, तो बच्चों ये बन गया साइक्लोब्यूटा 1,3 डाई ई। तो ये इसका IUPAC नेम है, क्या ये IUPAC नेम है। तो मैं बात कर रहा था एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की, अभी तक सॉरी एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के विषय में आप जान चुके हैं, 4 pi electrons, 8 pi electrons, 12 pi electrons, 16 pi electrons एंड 20 pi electrons, उसमें क्या था आपका 2 pi electrons, 6 pi electrons, 10 pi electrons, तो इस तरीके से उसमें चले थे। अब मैं बात करूं यदि स्टेबिलिटी की, तो ये क्या होते हैं, ये जो एंटायर एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं एरोमेटिक होते हैं, यदि स्टेबिलिटी प्रायोरिटी ऑर्डर चेक करूं तो एरोमेटिक नंबर वन आते हैं, नंबर वन पर होते हैं, क्योंकि एरोमेटिक से ज्यादा स्टेबल कोई होता ही नहीं। तो एंटायर एरोमेटिक की बात करूं तो ये लेस स्टेबल होते हैं, मतलब इनसे ज्यादा यदि मैं बात करूं किसी रिएक्शन के अंदर ये पॉसिबल ही नहीं है बनना है, बहुत ही रेयर केसेस में बनते हैं, मतलब वो रिएक्शन होगी नहीं, ये टिक ही नहीं पाते, मतलब ये क्या होते हैं लेस स्टेबल होते हैं, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों नेग्लिजिबल होती है, तो इसलिए किसी रिएक्शन में इनका बनना जरूरी नहीं है। तो सबसे सिंपल बात आपको ध्यान रखना है जितने भी एंटायर एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं वे क्या होते हैं लेस स्टेबल। अब एरोमेटिक और एंटायर एरोमेटिक इन दोनों टाइप के कंपाउंड्स को छोड़ दो और जो बच गया उसी को कहते हैं बच्चों नॉन एरोमेटिक, मतलब एलिफेटिक कंपाउंड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एरोमेटिक और एंटायर एरोमेटिक इन्हें छोड़ दिया जाए नहीं तो जो बचेगा उसे क्या बोलेंगे नॉन एरोमेटिक बोलेंगे, क्या बोलेंगे नॉन एरोमेटिक, समझ में आ गई होगी बात। तो एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक के विषय में हम लोगों ने आज चर्चा की। तो आपको ध्यान रखना है एरोमेटिक क्या होता है, एंटायर एरोमेटिक क्या होता है, ध्यान में मैं एक एग्जांपल आपको और देता हूं, जैसे मैंने कहा CCCN डबल सिंगल। बच्चों एक हाइड्रोजन यहाँ पर, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन यहाँ पर है, एक हाइड्रोजन, आपको पता है कार्बन के चार बॉन्ड होते हैं, अब नाइट्रोजन के पास तीन बॉन्ड होते हैं बच्चों, एक लोन पेयर भी होता है। अब आपको चेक कर रहा है कि ये एरोमेटिक है कि नहीं है, एरोमेटिक है, एंटायर एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है, चेक कर लो। चेक करने के लिए क्या है पाई सिग्मा सिंगल बोले सिग्मा, डबल बोले एक पाई, एक सिग्मा सिंगल बोले सिग्मा सिग्मा से। बच्चों ध्यान दो, सबसे पहली बात डबल सिंगल डबल मतलब पाई सिग्मा पाई का केस है, ऑफ कोर्स लोन पेयर भी है तो पाई सिग्मा पाई का केस है, कंजुगेटेड होगा। दूसरा एक दो तीन सिग्मा एक पाई एस टू टू हाइब्रिडाइज है, क्लोज चेन है, पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दो, क्लोज चेन है आपकी पाई इलेक्ट्रॉन्स एक दो, क्लोज चेन है आपकी एक दो पाई इलेक्ट्रॉन्स। बोलते पाई इलेक्ट्रॉन्स तो मैं काउंट कर चुका हूँ, आप चेक कर लेना 4n+2 के अकॉर्डिंग, 4n+2 लगाकर देख लो, 4n2 के अकॉर्डिंग ये फ्लो कर रहा है तो क्या होगा एरोमेटिक होगा, यदि 4n+2 के अकॉर्डिंग फ्लो नहीं कर रहा है तो क्या होगा एंटायर एरोमेटिक होगा। सिंपल सी बात, आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।